सचिन तेंदुलकर के बारे में जितना लिखा गया है उतना शायद ही किसी क्रिकेटर के बारे में लिखा गया हो। सचिन के लिए जो दीवानगी लोगों में दिखती थी वो शायद ही बाद में किसी क्रिकेटर के लिए कभी दिखी हो। सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाते हैं। क्रिकेट के मैदान में उनकी एक झलक पाने को लोग तरसते थे। सचिन के आउट होते ही घरों में टीवी बंद हो जाती थी और मैदान से लोग बाहर निकलने लगते थे। ऐसा जुनून, इतनी मोहब्बत शायद ही दुनिया में किसी स्पोर्ट्समैन को कभी मिली हो जितनी सचिन को मिली थी। सचिन रमेश तेंदुलकर आज क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन लोगों के उतने ही करीब बने हुए हैं। आज भी क्रिकेट मैदान पे जब वो आते हैं तो सचिन सचिन के शोर से पूरा मैदान गूंज उठता है। सचिन तेंदुलकर की जीवन भर की शायद सबसे बड़ी कमाई यही रही कि लोगों ने उन्हें जितना प्यार किया उतना ही इज्जत भी की। करोड़ों भारतीयों की उम्मीद लिए जब वो मैदान पर उतरते थे तो सबसे ज्यादा दबाव उन्हीं पर होता था। इस दबाव को लिए इतने सालों तक शिखर पर रहना और स्वभाव में सौम्य बने रहना ही उन्हें असाधारण बनाता है। 24 अप्रैल आते ही तमाम सेलिब्रिटी और सचिन के चाहने वाले उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। अखबारों में उनकी कमाई और उनके रिकॉर्ड की बात होती है। सोशल मीडिया पर फिर से बहस शुरू हो जाती है कि क्या सचिन क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी हैं। इन सब के बीच सचिन तेंदुलकर से जुड़े ऐसे किस्सों की बात होती है जो दिलचस्प हैं और कम कहीं लिखे गए हैं और कम ही कहीं बताए गए हैं। उम्र का अर्धशतक लगा चुके सचिन तेंदुलकर एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता को सचिन देव बर्मन का संगीत पसंद था, सो अपने बेटे का नाम सचिन तेंदुलकर रख दिया। भाई ने उन्हें बहुत सहेजा, बहुत संभाला, उसका जिक्र सचिन तेंदुलकर ने कई बार किया भी है। 16 साल का एक लड़का भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेलता है और पहली पारी में 15 रन बनाता है। 17 की उम्र में पहली बार एक लड़की को एयरपोर्ट पर दिखता है और 22 की उम्र में उस लड़की से ही शादी हो जाती है। उस लड़की का नाम अंजलि तेंदुलकर था। सही मायनों में सचिन की कहानी इतनी फास्ट भाग रही होती है कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। यूपी बिहार के लड़के 25 के बाद तो सोचते हैं कि करना क्या है, और सरकारी नौकरी लग गई तो फिर आई एम टॉप ऑफ द स्काई टाइप फीलिंग आ जाती है। मोहल्ले वाले, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सबको दिखाना पड़ता है, देखो हमने कुछ करके दिखाया है। लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं था। शायद इसलिए वो समय के साथ खास होते चले गए। इतनी कम उम्र में कामयाबी को सचिन ने जैसे जैसे संभाला उसे कई जनरेशन ने देखा। युवाओं की सोच बदली, कामयाबी के मायने बदले। इसलिए सचिन तेंदुलकर की कामयाबी की कहानी सिर्फ क्रिकेट के 22 यार्ड वाली पट्टी की कहानी नहीं है। ये कहानी करोड़ों भारतीयों की उम्मीद की है जिसे सचिन सालों तक धोते रहे। हर कोई जानता है कि अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए थे एक पारी में, लेकिन उस टेस्ट मैच का एक किस्सा सचिन तेंदुलकर से भी जुड़ा हुआ है। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान और भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की टीम। साल 1999 कोटला टेस्ट में अनिल कुंबले ने 10 विकेट झटके थे। इस मैच के दौरान जब भी तेंदुलकर ने ओवर की शुरुआत में कुंबले का स्वेटर और टोपी अंपायर को सौंपी तो कुंबले ने विकेट लिया था। इसके बाद सचिन तब तक ऐसा करते रहे जब तक कुंबले ने सभी 10 विकेट नहीं ले लिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 1992 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सचिन तीसरे अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले बल्लेबाज थे। यही नहीं, MRF सचिन, ब्रायन लारा और स्टीव वॉ सभी के बल्ले का प्रायोजक था। लारा के बल्ले को विजर्ड, वॉ को चैंपियन और सचिन का जीनियस कहा जाता था। सचिन तेंदुलकर 2003 में स्टम्प्ड नाम की एक बॉलीवुड फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। 2008 में सचिन एक ऑस्ट्रेलियाई रियलिटी टेलीविजन सीरीज एन ऑजी गोज बुली में दिखाई दिए थे। साल 2017 में सचिन की एक डॉक्यूमेंट्री स्पोर्ट्स फिल्म आई थी, सचिन अ बिलियन ड्रीम्स के नाम से। इसमें सचिन तेंदुलकर ने खुद अपनी भूमिका निभाई थी। म्यूजिक AR रहमान का था। सचिन की इस फिल्म में उनके बचपन को बेहद ही खूबसूरती से दिखाया गया है। देश में सचिन के बाद भी क्रिकेटर आए, उन्होंने पैसा भी कमाया और शोहरत भी, लेकिन सचिन तेंदुलकर की कहानी सबसे अलग है। Here it is, the Sachin Tendulkar. सचिन को देखकर लगता है कि देश में बहुत विलक्षण लोग पैदा हो सकते हैं, लेकिन मजबूत इरादा, धैर्य और सालों की तैयारी से कोई भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर बन सकता है।